अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? ओके, अब जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली है डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट, मैनेजिंग सर्विसेज से रिलेटेड। अब जो हमने इससे पहले पढ़ा, हमने पढ़ा, मैं आपको रिपीट करवाती जाती हूँ साथ साथ, क्योंकि हर टॉपिक जो आप हम पढ़ रहे हैं आफ्टर मीट वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रांड के बारे में, फिर हमने ब्रांड इक्विटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने वैल्यू प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि मार्केट की कितने टाइप्स होती हैं, कंपेटिटिव डायनेमिक्स कितने होते हैं, ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द मार्केट, ठीक है। कुछ निश मार्केट होती हैं, कुछ मार्केट हमारी जो होती हैं वो लीडर होती हैं, कुछ चैलेंजिंग होती हैं, और कुछ मार्केट जो हमारी होती हैं वो वैल्यूएटिव होती हैं। हमने इन चार मार्केट्स के बारे में पढ़ा, डिटेल के साथ हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने एट द एंड जो हमारा उस टॉपिक का एंड हुआ था वो हुआ था प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के ऊपर, किस तरह से प्रोडक्ट जब एक बूम सेशन में जाती है उसके बाद रिसेशन में कैसे आती है, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो प्रॉफिट एंड सेल है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज किया जा सकता था। सेम एज इट इज इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत क्वाइट इजी लेंथी भी नहीं है, बहुत जल्दी कवर अप होने वाला है अगर आपको प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर हैं तो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर उसकी पैकेजिंग स्ट्रैटेजी, हमने पैकेजिंग को करने की जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे तरीके से बनाई होगी तो फिर क्या होगा कि हमारी सेल्स एंड प्रॉफिट में मजीद इंक्रीज होगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज, ठीक है, कि जो डिज़ाइन है और जो सर्विसेज उसको, सर्विसेज मीन्स प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंचाने तक, ठीक है, मीन्स जो से आपने डिज़ाइन इतना अच्छा बनाया कि कस्टमर के माइंड में उसका इमेज सेट हो गया। जैसे मैकडॉनल्ड का मैंने आपको स्लोगन के बारे में बताया था, इस तरह से कुछ स्लोगन्स की मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, कुछ जो डेली यूज के जो कस्टमर्स होते हैं जो एक ब्रांड पे रिलायबल हो जाते हैं, ब्रांड के लिए रिलायबल हो जाते हैं, अपनी रिलायबिलिटी लॉयल्टी शो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने ब्रांड की ईच एंड एवरीथिंग से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन रख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उनके ब्रांड में कोई नई डिस्काउंट चल रहा हो, कुछ नए ड्रेसेस अपलोड हो रहे हों, तो क्या होता है कि वो उसको इन टाइम जो है वो देख रहे होते हैं और उस चीज़ से फ़ायदा जो है ना वो हासिल कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फीमेल्स, मैं स्पेशली अगर अपनी बात करूँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स को हम लोग इन फॉलो किया होता है और मैं स्पेशली देख रही होती हूँ जो मेरा फेवरेट ब्रांड हो कि उनकी क्या चीज़ न्यू आई है, क्या चीज़ किस कैटेगरी की है, क्या चीज़ कितनी प्राइस की है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो क्या होता है इससे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम इन टच रहते हैं तो हमारी खाली व्यूज़ के साथ भी ना उस जो वेबसाइट उनकी होती है ना वो रैंकिंग में जा रही होती है, तो खाली व्यूज़ के भी जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल बना रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारे व्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं, हमारी सब्सक्रिप्शन इंक्रीज़ होती है, तो हमारी अर्निंग जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, तो उनका भी कुछ इसी तरह से सिस्टम है। तो जो हमारा फेवरेट ब्रांड होता है हम उनको इस तरह से लाइक करते हैं, ये इनकी स्ट्रेटजीज होती हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ईमेल्स और फ़ोन नंबर ले लिए जाते हैं, ईमेल और फ़ोन नंबर वो डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में ऐड कर देते हैं, एक ईमेल के ज़रिए से क्या होता है वो टिक करते हैं जितने भी कस्टमर उनके एक दफ़ा विजिट कर चुके होते हैं, दो दफ़ा करते हैं, परमानेंट कस्टमर हैं या प्रायोरिटी बेसिस कस्टमर हैं उनकी एक अलग सी ईमेल होती है, बट उनके अंदर भी होती है, वो उसको क्लिक करते हैं वो अल्टीमेटली फ़ौरन से उनको सेंड हो जाता है। फिर जो उनके लॉयल कस्टमर होते हैं उनको वो एक सेपरेट ईमेल के ज़रिए से उनको वो ईमेल सेंड कर रहे होते हैं, कुछ इंसेंटिव मजीद दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जो कस्टमर होता है, फर्स्ट टाइम जो उनकी शॉप पे आया होता है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं सेपरेटली। तो ये बेसिक तरीका होता है किसी भी ब्रांड का अपने कस्टमर को लॉयल रखने के लिए, अपने कस्टमर को इंटरेस्ट रखने के लिए। सो ये तो थोड़ा टॉपिक से हम लोग आउट हो रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल्स को इसीलिए कि आपकी क्लैरिटी के लिए। अब हम दोबारा अपने बैक टॉपिक आ जाते हैं, डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज, ठीक है। इन शॉर्ट के वो डिज़ाइन इतना अच्छा कर रहे होते हैं कि जो कस्टमर होता है ना उसके माइंड में अपने ब्रांड की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, कि हमारा ब्रांड इन फ्यूचर क्या लॉन्च करने वाला है, कौन सा डिज़ाइन आने वाला है, क्या प्राइस होगी इनकी, कब तक अपलोड होगा, कब डिस्काउंट स्टार्ट होगा, मीन्स टू से कि उनको पहले ही अवेयरनेस दे दी जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक के बारे में, कैटेगरीज ऑफ सर्विस मिक्स की कैटेगरीज बेसिकली फाइव होती हैं। प्योर टेंजिबल गुड्स, टेंजिबल का वर्ड से आपको क्लियर है नजर आने वाली चीजें,
द सर्विस कंपोनेंट कैन बी अ माइनर और अ मेजर पार्ट ऑफ द टोटल ऑफरिंग. ठीक है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं या तो आपको टोटली ऑफर की जाती हैं या आपको माइनर थोड़े थोड़ी सी लेवल की शो की जाती हैं. ठीक है, जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको गुड्स भी थोड़ी देते हैं, सर्विसेज भी थोड़ी दे रहे होते हैं. जैसे आप फैसल मूवर्स में ट्रैवल करें या एसी जितनी भी बसेज हैं उनमें एयर होस्टेस काम कर रही होती हैं, वो बेसिकली क्या कर रही होती हैं, वो बहुत थोड़ी सर्विसेज मीन्स टू से पहले तो ये होता था कि जो वो रेंट चार्ज करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ सरगोधा का चार्ज करते थे वो 480 था, शायद 480 या 510 था जब मैंने ट्रैवल किया था. तो क्या हुआ था कि उसमें वो चिप्स लेज और बाकी कुछ चीज़ें इस तरह से टोकरी आइटम भी देते थे, बेकरी आइटम देने के साथ जूसेस भी देते थे, जूस भी होता था और बोतल का फ्लेवर भी होता था. बट क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ उनकी इन हो गई, लोगों ने उसमें ट्रैवल करना शुरू कर दिया, उनकी जो कस्टमर थे वो इंक्रीज हो गए, तो उन्होंने क्या किया, इस सर्विस को ख़त्म करना शुरू कर दिया. मीन्स टू ये इनकी एक स्ट्रैटेजीज थी. ठीक है, सर्विस मिक्स की एक स्ट्रैटेजीज थी, देना शुरू कर दिया. फिर उन्होंने ऐसा ऐसा अब इस लेवल पर आ गया, वो सिर्फ जस्ट पानी एंड बोटल्स दे रहे होते हैं. तो इस तरह से कुछ ये बहुत थोड़ी स्मॉल अमाउंट में सर्विसेज हैं. ठीक है, गुड्स भी बहुत थोड़ी अमाउंट में दे रही हैं, वो जो चीज़ दे रही हैं, और सर्विसेज बहुत थोड़ी अमाउंट में है. ठीक है, ये जो है सर्विसेज विद ऑक्युपाइंग गुड्स. ठीक है, ये जो फोर्थ वन जो इसकी है कैटेगरीज, इसमें आएंगी एग्जाम्पल्स की. चले हम पढ़ते हैं प्योर टेंजिबल गुड्स. अ प्योर टेंजिबल गुड्स सच एज सोप, टूथपेस्ट और साल्ट विच विद नो ऑक्युपाइंग सर्विसेज. ठीक है, इसमें कोई इतनी ऑक्युपाइंग सर्विसेज नहीं होती, खुद जाएं शॉप से लें और घर आ जाएं. अ टेंजिबल गुड्स विद ऑक्युपाइंग सर्विसेज, जैसे आप कह सकते हैं कार, कंप्यूटर, सेल फोन. अगर ये खराब हो जाता है या आपको कोई सेल फोन पे पैकेजेस लगाने पड़ जाते हैं तो आप उनके हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वो हेल्पलाइन पे कॉल करके जो नुमाइंदा आपसे बात कर रहा है बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने उसकी ब्रांड की, अपने यूफोन की, जिस भी आप नेटवर्क को यूज कर रहे हैं. ठीक है, कार अगर आपकी रिपेयरिंग में चली गई, न्यू कार है, वारंटी में है, आप वहाँ से उनके साथ से रिपेयर करवा रहे होते हैं, तो उन्होंने तो आपको सेल कर दी है, उनकी तो सरदर्द नहीं ना कि आपको वो दोबारा से ठीक करके दें. लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपको रिपेयरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वारंटी के अंदर उसको ठीक करके देते हैं. तो वो बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज. ठीक है, गुड्स भी आपको दे रहे हैं और सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफरिंग लाइक अ रेस्टोरेंट मील, इक्वल पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हाइब्रिड का मतलब है इतनी ही सर्विसेज भी देते हैं, इतनी ही गुड्स भी देते हैं. इस रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हैं, वेटरिंग वेटर आता है आपके पास, अगर आप इसको माइनर सर्विसेज और माइनर गुड्स में देखें तो आपकी एयर होस्टेस की एग्जांपल आएगी, वो आएगी सर्विसेज विद ऑक्युपाइंग गुड्स के साथ. जब हाइब्रिड की बात करते हैं तो आप बात करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स विद लार्ज सर्विसेज. वेटर आपने देखा होगा कि वो सेल सेल विजिटिंग पे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं किस चीज़ की जरूरत तो नहीं है आपको. तो बेसिकली जब तक आप उठ नहीं जाते हैं तो वो आपको मुसलसल आपके इर्द गिर्द वो राउंडिंग में होते हैं. तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो हाइब्रिड कर रहे हैं, वो हाइब्रिड सर्विसेज मिक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको. फिर उसके बाद है प्योर सर्विसेज. प्योर सर्विसेज मतलब है प्राइमरली एंड इंटेंजिबल सर्विस सच एज बेबी सिटिंग. आप प्योरली सर्विसेज, जैसे एक मदर केयर, जो आपकी मदर्स होती हैं वो सारा दिन क्या कर रही हैं, बेसिकली सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रही होती हैं. ठीक है, नो विद नो रिवॉर्ड, टोटली सिर्फ सर्विसेज, ओनली जस्ट सर्विसेज. रिवॉर्ड उनको क्या मिलता है, मिलता तो बहुत कुछ है बट अगर हम मार्केटिंग के टर्म में देखें तो कुछ नहीं मिलता. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज. फोर टाइप्स ऑफ जो सर्विसेज हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सर्विसेज की, टेंजिबल, पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल और वेरिएबल. पेरिशेबल का मतलब है गल सड़ जाने वाली, जल्दी खत्म हो जाने वाली. ठीक है, इम्पेरिशेबल का मतलब है कि जो जल्दी वो नहीं होती, जल्दी ख़राब ना होने वाली. पेरिशेबल मीन्स में आप शामिल कर लें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, ईटिंग क्रॉकरी आप कह लें कि जो जल्दी ख़राब हो जाती है. इन पेरिशेबल में आप कह सकते हैं, इंस्पेरिबल में आप कह सकते हैं, इम्पेरिशेबल मीन्स कि जो हार्ड फॉर्म में हो, जो जल्दी ख़राब ना होती हो. ठीक है, वो चीज़ इसके अंदर आएगी. ओके, इनटेंजिबल सर्विसेज कैन बी सीन, सर्विसेज कैन बी सीन, स्मेल, हेयर, टच प्रायर टू परचेज. इंटेंजिबल का मीन्स कि ऐसी सर्विसेज, ऐसी गुड्स जिनको ना तो आप टच कर सकते हैं, ना आप स्मेल, ना हेयर, कुछ भी ऐसा उसका नहीं है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल सर्विसेज. ठीक है, जैसे कि टीचर की सर्विसेज, आप उसको मैयर नहीं कर सकते. आपके जो हेयर है, नंबर ऑफ हेयर कितने हैं आपके बालों में,
समंदर का पानी कितना है, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, क्या आप उसको मैयर कर सकते हैं, आप कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कितनी कितने परसेंट कर रही हैं, आप नहीं कर सकते। पेरिशेबल सर्विसेज कैन बी स्टोर्ड लाइक अ फिजिकल गुड्स, ठीक है, इट इज़ नॉट डिलीवर, इट इज़ लॉस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स टू से ये ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, पेरिशेबल जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आप उनको स्टोर तो कर सकते हैं बट आप इसको इट डज नॉट डिलीवर्ड, इट इज़ लॉस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। एक टाइम पीरियड के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड के बाद ये लॉस्ट हो जाती हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, खराब हो जाती हैं। इंस्पेरिबल अ सर्विस इज परफॉर्म्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, ठीक है, ऐसी सर्विसेज जो आप परफॉर्म भी कर रहे होते हैं फौरन से कंज्यूम भी हो जाती हैं उसी टाइमिंग में, उसको हम बोलते हैं इंस्पेरिबल। लाइक ट्रेनिंग सैलॉन, सैलॉन की ट्रेनिंग आप करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वहीं पर कंज्यूम हो जाती है आपकी। उसके बाद है वेरिएबल, ईच टाइम अ सर्विस इज परफॉर्म्ड इट विल बी performed in a different way. Example, waiter services. ठीक है, वेरी वेल, मत मीन्स उसे आप मुख्तलिफ किस्म के सर्विसेज मुख्तलिफ टाइम में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जो करेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज की वो चार होती हैं, और अगर ये एग्जाम्पल आपके पास आ जाए, अगर ये आपके पास एम सी क्यूज आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है फिजिकल एविडेंस एंड प्रेजेंटेशन। सर्विसेज के लिए जो आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं को मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं जब सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी या मैं किसी को ऑफर करूँगी तो सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है मेरे माइंड में आती है, जो कस्टमर के माइंड में आती है मुझे ये सर्विसेज चाहिए, सबसे पहले तो मुझे वो पर्सन जो है एट द स्पॉट यहाँ पर चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया घर में, किसी भी तरह का इवेंट हो, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो आपने किसी रेस्टोरेंट के ज़रिए से आपने वेटरिंग को बुलाया और उनसे कहा कि इस तरह की मुझे मेन्यू चाहिए मेरी बर्थडे पे, इस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए, इस तरह का खाना होना चाहिए, सारा कुछ। तो सबसे पहले तो वेटर को आपको इस इन टाइमिंग में आपको उनकी एग्जिस्टेंस चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल वो वेटरिंग अगर आपने टाइम दिया 8 o'clock का, तो वो 8 o'clock आपके घर में होंगे या जो आपने प्लेस वो बताई होगी। तो फिजिकल एविडेंस जो होना चाहिए वो सबसे पहले जो मेजर पार्ट है सर्विसेज का वो प्लेस है, उस पर्सन की एग्जिस्टेंस एट दैट प्लेस। उसके बाद सबसे पहले आपने डिसाइड किया जगह का, जगह का मतलब है कि आपने आपने घर में करना है, आपका मेन्यू कहाँ है, किस जगह आप करना चाहते हैं। प्लेस डिसाइड करने के बाद पीपल डिसाइड किया, पीपल कौन कौन से लोग आएंगे जो इसको डेकोरेट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बताएंगे इक्विपमेंट, आप बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपकी जो पार्टी है उसको मजीद क्या कर सके, इन्हांस कर सके, उसकी ब्यूटी को इन्हांस कर सके। इक्विपमेंट के बाद आ गया कम्युनिकेशन मटेरियल, उसके बाद आप बताएंगे आप म्यूजिक का कोई अरेंज करना चाहते हैं या आपको कोई माइक चाहिए किसी से बात करने के लिए या कुछ इस तरह से माइक्रोफोन चाहिए, तो आप वो उस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। उसके बाद सिंबल क्या होना चाहिए, मीन्स टू से वो आपकी जो बर्थडे पार्टी है वो बर्थडे से रिलेटेड है तो उसके सिंबल क्या है, बर्थडे। उसके बाद प्राइस, आप इन सब सर्विसेज के अल्टरनेट में कितनी प्राइस चार्ज करेंगे, ठीक है। ये फिजिकल एविडेंस एंड प्रेजेंटेशन, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आप विद एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट करके इंटरलिंक करके उसको लेंथी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये एग्जांपल ऐड करें, आप अपने पास भी एग्जांपल्स, बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, वो ऐड कर सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज क्वालिटी कंट्रोल, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म है और उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, वो चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करें। अभी जस्ट मैं बात कर रही हूँ मेंटेनेंस की, मेंटेन करने की, नॉट फॉर हाउ टू इंक्रीज द क्वालिटी कंट्रोल। ओके, जब आप मेंटेन की बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कैलिपर पर जाके आपके माइंड बच्चों के लेवल पर जाकर मैं बताना चाह रही हूँ। अभी मैं वहाँ से नहीं पढ़ रही, वहाँ पर स्लाइड में क्या लिखा हुआ है या बुक वाले क्या कह रहे हैं हमें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने मेंटेन करना है तो आप कहेंगे कि जो पर्सन मैंने ऑलरेडी हायर किए हुए हैं ना, ठीक है, उनको उनको मैं पहले तो ट्रेनिंग दूँ, सबसे पहले ट्रेनिंग, ऑलरेडी हायर है ना, उनको पता है किस तरह से प्रोडक्ट बनानी है, सारा कुछ बन गया, बनने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से जो गुड्स है ना उनको ट्रेन करना है, मतलब उनको मेंटेन करना है कि वो ख़राब ना हो। फॉर एग्जाम्पल पेरिशेबल गुड्स ऐसे होती हैं, जैसे मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का फोर्ट्रेस पैकेजेस मॉल में अक्सर आप चले जाएँ तो वहाँ पे आप देखते हैं कि गुड्स एंड जो बहुत सी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं जो उस सीजन के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल समर की जो वेजिटेबल्स है वो विंटर में मिल रही होती है आपको इन पैकिंग में ना, तो बेसिकली वो पेरिशेबल गुड्स हैं, तो उनको मेंटेन किस तरह से करना कि वो ख़राब भी ना हो, ठीक है।
कुछ उसके लिए ना आपको सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोसीजर उनको होना चाहिए। उसके बाद उनको बताना चाहिए आपकी ये जो परफॉर्मेंस है ना, मजीद इसको कैसे इंप्रूव हम लोग कर सकते हैं। एक दफ़ा मेंटेन हो गया, मेंटेन होने के बाद आप लोग बताना है इसको हमने मेंटेन तो हो गया लेकिन हमने खाली मेंटेनेंस पे नहीं रहना, हमने अपनी सेलिंग को और प्रॉफिट को मजीद इंक्रीज करना है। उसके लिए आपकी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज होने की ज़रूरत है। तो फिर आप क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज सर्विस परफॉर्मेंस प्रोसेस जो है, आप अपनी परफॉर्मेंस प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे। वो ट्रेनिंग के जरिए से भी हो सकता है, वो मजीद इनोवेशन के साथ भी हो सकता है, वो एक्सपेंशन के साथ भी हो सकता है प्रोडक्ट की, ठीक है, वो आप क्या दें मार्केट चेंजिंग के साथ भी हो सकता है, मार्केट की जो प्लेस है आप वो चेंज करते हैं, सो एंड सो बहुत से वे हैं जिसके ज़रिए से आप सर्विस परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। जब ये सारा कुछ हो जाता है, फिर अगेन वही बात है कि आपने वो जो सारा प्रोसेस कर लिया उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी तो पर्सन होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ होता जाए रैंडमली तो आपको क्या पता चलेगा कहाँ से क्या चीज़ ठीक हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है, कहाँ से आप वीक पॉइंट आपकी इसका प्रोडक्ट का, जिसकी बेस पे आप जिस हद तक आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की परफॉर्मेंस को प्रोसेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए सबसे जो अहम, जिसको कहा जाता है सबसे अहम तरीन मैं कहूँ अगर क्वालिटी कंट्रोल में, तो वो यही है कि आपकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए आप किस तरह से कंट्रोल रखते हैं उसके ऊपर ना। तो कंट्रोलिंग का अगर बात हो और मॉनिटरिंग की बात ना हो तो फिर ये इम्पॉसिबल है कि आप क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल के साथ अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द थ्री स्टेप्स किस तरह से हम लोग क्वालिटी कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो हायरिंग किया, हायरिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, फिर उसके बाद आपने उनको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग देने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उनसे सर्विसेज, उनको सर्विसेज उनसे कहना है आपकी सर्विसेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने हायरिंग की 10 persons की, 2 persons अकाउंटिंग से रिलेटेड थे, आपने उनको ऐड कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो क्या ये ठीक है गलत है? ये आप अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज है उसी फील्ड में उसको अगर एंटर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे रहे होंगे, ठीक है। मॉनिटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इस तरह से फिर आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो पर्सन आपने खड़ा कर दिया, कस्टमर आपके पास आया, वो आपसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, बट आप उसको बता रहे हैं ऑडिट से रिलेटेड, तो बात क्या होगी? तो वो आपकी बात से सेटिस्फाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो पर्सन जिस डिपार्टमेंट के लिए है, जिस स्पेशलाइजेशन जिसमें की हुई है, उसको उसी हेड पे खड़ा किया जाए ताकि जो है बेहतर आउटपुट आ सके और हमारी कस्टमर की जो रैंकिंग है ना, वो सेल है, वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। उसके बाद 3 types ऑफ मार्केटिंग इन सर्विस इंडस्ट्रीज, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में 3 तरह से मार्केटिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है, ये दिस वन आप रिज्यूम कर लें, ये पूरी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले है क्लीनिंग मेंटेनेंस सर्विस, फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, ये 3 तरह की इंडस्ट्रीज हैं, इन तीनों इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, ये इंडस्ट्री है, ठीक है। जब इंडस्ट्री कस्टमर के साथ डील करती है तो बेसिकली इट्स एक्सटर्नल मार्केटिंग, ठीक है, वो इंडस्ट्री से बाहर के जो कस्टमर उनसे डील कर रही है। जब इंडस्ट्री अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी मार्केटिंग को इंक्रीज करने के लिए, कुछ फीचर्स वगैरह ऐड कर रही होगी सारा कुछ, तो बेसिकली वो इंटरनल मार्केटिंग कर रही है। लेकिन जब एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के, वो बाहर कस्टमर से जाके इंटरेक्ट करते हैं, तो बेसिकली वो इंटरेक्टिव मार्केटिंग, वो बाहर जाके मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मार्केटिंग और इंटरेक्टिव मार्केटिंग बहुत अहम है, उन सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल मार्केटिंग तो अहम है, लेकिन ये दोनों के दोनों डिपेंड कर रही होती है इंटरनल मार्केटिंग के ऊपर, और इंटरनल मार्केटिंग इस पर डिपेंड कर रही होती है कंपनी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस सर्विसेज क्या हैं? कि स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्विसेज हैं क्या? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, आपकी आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कमिटमेंट है? हाई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आपने हमेशा अपनी उसका ऑर्गेनाइजेशन का अब ही रखना है। सेल्फ सर्विसेज, खुद से कुछ सर्विसेज देने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजीज का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। मॉनिटरिंग सर्विसेज लाजमी होनी चाहिए। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ऊपर वाले जितने भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड किए हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुन के उनको सॉल्व किया जाए, उनको सेटिस्फाइड किया जाए। उसके अलावा सेटिस्फाइड विद योर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा होगा तो कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा। कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा तो सेल अच्छी होगी, और सेल अच्छी होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयज हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि आप उसको मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव, बोनस वगैरह देके, सैलरी इंक्रीज करके आप एम्प्लॉयज को हैप्पी रख सकते हैं, उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं।
इम्प्रूविंग सर्विस क्वालिटी. सर्विस क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव, अगर फॉर एग्जाम्पल एक वेटर एक है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है. वो डेली बेसिस पे जो क्लाइंट आ रहे होते हैं उनसे पूछता है, उनकी बात को सुनता है बहुत ध्यान से, सुनने के बाद रिलायबल देखता है कि रिलायबिलिटी चेक करता है कि जो पहले कस्टमर कुछ आए हैं उन्होंने क्या रिव्यू दिया. अगर दो या तीन एक टारगेट सेट कर लिया जाता है कि अगर तीन जो कस्टमर का सेम रिप्लाई आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक कोई डिश उन्होंने जो है तीन कस्टमर ने रैंडमली जो है पर डे या पर वीक जिस तरह से क्राइटेरिया हर रेस्टोरेंट का सेट होता है की होगी, तो वो उसको देखेंगे उनके क्या रिमार्क्स हैं स्पेशल डिश को लेकर, स्पेशल आइटम को लेकर जो वो ईट करें. अगर तो वो सेम होगा तो इट मीन्स उनकी बात में रिलायबिलिटी है, इट मीन्स बाकी ही कुछ ऐसा डिफॉल्ट है सर्विस के अंदर कोई इशू है तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. बेसिक सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं एंट्रेंस के ऊपर या स्टार्टिंग में जो वेटर का पानी वगैरह दे रहे होते हैं ग्लास वगैरह, उसके बारे में सर्विस डिज़ाइन, ठीक है सर्विस का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से है. मीन्स उसे आप आते सारे ऐसे वेटर उनको बुलाना पड़ता है खुद से, फॉर एग्जांपल जो कस्टमर एक आया है रेस्टोरेंट में तो वो उनको खुद से कॉल करनी पड़ती है उनको, या वो आके बैठते हैं फ़ौरन से वेटर उनके पास आके खड़ा हो जाता है. डिज़ाइन किस तरह से आपने, उसके बाद रिकवरी किस तरह से कर रहे हैं आप, पेमेंट किस तरह से ले रहे हैं, बाई हैंड दे रहे हैं, उनको जाकर सबमिट करवानी पड़ रही है, तो इस तरह से एक होता है सरप्राइजिंग कस्टमर, ठीक है. उसके बाद फेयर प्ले, टीम वर्क, एम्प्लॉइज रिसर्च, सर्वेंट लीडरशिप. मींस टू से ये सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं इंप्रूविंग सर्विस क्वालिटीज, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाती हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. सरप्राइजिंग कस्टमर्स के अंदर वो आएंगे कि जो कस्टमर रैंडमली विजिट करते हैं और बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं कस्टमर को. फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है उसमें एक स्कूल का ट्रिप गया हुआ है और वो स्कूल का ट्रिप रैंडमली जो है ना स्टे करता है उस रेस्टोरेंट में, और राउंड अबाउट 30+ स्टूडेंट्स हैं, तो 30+ स्टूडेंट के जब 30+ कस्टमर का जब खाना एक एकदम ऑर्डर मिलेगा उनको तो वो बल्क में होगा तो वो सरप्राइजिंग कस्टमर होंगे. तो मीन्स उसे उनको सरप्राइजिंग इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, सर्विसेज भी अच्छी देनी पड़ेगी. अगर वो अच्छा काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी जब इस तरह का इवेंट आएगा तो वो प्रेफर करेंगे उसी रेस्टोरेंट को. फेयर प्ले, आप बिल्कुल फेयरली उनके साथ डीलिंग करें, ना कि कुछ इस तरह के दरमियान में जैसे पाकिस्तानी हम अवाम हैं जिंदाबाद, तो इस तरह से कुछ इस तरह की इवेंट्स ना करें कि जिससे उनका ट्रस्ट आपके ऊपर से उठ जाए. टीम वर्क, आपने जो भी काम करना है वो टीम वर्क में करना है. अगर तो एक इंडिविजुअली हर पर्सन वेटर अलग अलग अपने अपना वे ऑफ थिंकिंग करेगा तो ये गलत बात है. मैनेजमेंट जो होती है, मैनेजमेंट का काम यही होता है कि टीम वर्क में एक टीम बनाए ताकि सारा काम टीम वर्क में हो, ताकि डिवीजन ऑफ वर्क भी अच्छा हो और जो है मैनेजमेंट जो है काम की वो भी अच्छे से अच्छे हो सके. एम्प्लॉइज रिसर्च, एम्प्लॉइज सर्च कर रहे होते हैं कि किस कस्टमर का क्या रिव्यू है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग किसी शॉपकीपर शॉप पे जाते हैं तो एक जो शॉपकीपर होता है वो उसको देख के हमें पता चल जाता है कि ये कितनी इस चीज़ के लिए कितनी पेमेंट कर सकता है, ठीक है. अगर हम उसे तो उस हिसाब से उनको पता होता है कि ये इतनी पे कर देगा तो वो उनको आइडिया हो जाता है इतने साल करके. फॉर एग्जाम्पल 1500 की चीज़ है तो वो कहेगा 2500, उनको पता है इन्होंने बहस करते करते भी मुझे 1800 पे या 1500 पे ले आना है, उसमें मुझे अपना मार्जिन रखना होगा, ठीक है. उसके बाद है सर्वेंट लीडरशिप, जो एक सर्वेंट होता है ना वो किसी भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीडर की वो जो है ना वो खसूसियात रखता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रखता होता है. अगर आपकी सर्वेंट जो है अच्छी है, आपकी सर्वेंट लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर आ रही है तो समझ लें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो सेल है उनकी जो डिमांड है उनका जो ब्रांड का नेम है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है. इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा. अभी आप लोगों का क्या काम है, जो मैंने आपको बुक दी थी मार्केटिंग रिसर्च की उसमें आप लोगों ने बुक को खोलना है, चैप्टर अपना ओपन करना है. चैप्टर ओपन करके एक मार्केटिंग मेमो बनी होगी, वहाँ पे इस इन टॉपिक्स के बारे में, इन सर्विस के बारे में डिटेल के साथ लिखा होगा विद एग्जाम्पल्स. आप उनको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करेंगे, ठीक है. आज तक के लिए इतना ही. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़.